हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉन्ग टर्म सेल्टिस में। आज हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। आज का जो प्राइस है, आज अभी मार्केट खुली हुई है, करीब 3:15 बज रहे हैं, 188 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और एक साल में इसने जो है करीब हाई था इसका 663 रुपये, और देखिए एक साल में 101 रुपये का लो टच किया अभी इस लॉकडाउन के दौरान जब गिरावट आई थी, और 101 से 110-120 के बीच में काफ़ी दिन तक ट्रेड करता रहा, और अचानक से अभी ऊपर ये भागा क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स वगैरह आए थे कुछ ठीक ठाक थे। एक वर्ष में अगर देखा जाए रिटर्न वाइज तो 69% से ज़्यादा यानी 70% करीब करीब यहाँ पे लॉस हो रहा है, और 6 महीने पूर्व जिन्होंने निवेश किया उसमें उनको करीब 43.49% का जो है यहाँ पे लॉस हो रहा है। पी रेशियो 18 के, अर्निंग पर शेयर 9 रुपये, प्राइस टू बुक है 0.91 और डिलीवरी इसकी 7% के आसपास है। मार्केट कैपिटल 9,449 करोड़ की और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू है। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 31 अगस्त 2016 को हुई थी। अब अगर हम इसमें देखें कि हमें क्या करना चाहिए, देखिए आइए हम कुछ फाइनेंशियल वगैरह देखेंगे, लेकिन ये एक ख़तरनाक तरीका है। अगर मान लीजिए 650 के आसपास एक साल के अंदर ही 100 रुपये का पहुंच जाए तो जिन्होंने लिया होगा, मान लीजिए किसी ने 500 पे लिया होगा, किसी ने 600 पे लिया होगा, तो उनकी क्या स्थिति होगी। ऐसे में यही कहूँगा कि जिन्होंने इसमें निवेश किया है वो तो ठीक है, अब आप लॉस तो बुक नहीं कर सकते, वो बने रहें। मुझे लगता है ये बैंक फिर से बाउंस बैक करेगा लेकिन समय काफ़ी लग सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि बैंक कोई भी बैंक हो अगर देखा जाए, दिग्गज बैंक को छोड़ के HDFC या फिर जो है वो भी करेक्ट हुई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं टूटी कि सीधे 663 से 101 रुपए का लो बना दिया हो। क्यों इतनी ज़्यादा बिकवाली हुई है? और जिन्होंने 101 के आसपास या 110 रुपए के आसपास निवेश किया होगा तो ये अभी करीब कल की बात है, 205 रुपए का इसने हाई बनाया था तो करीब डबल ही कर दिया। आज भी देखिए 192 रुपए का हाई इसने बनाया था और लो आज का था 189 रुपए का। तो जिन्होंने रिसेंटली अभी निवेश किया होगा, इसे कई सारी बैंकें हैं, चाहे वो इंडसइंड बैंक रही हो, वो भी करीब 1,500 से नीचे आके वो 250 का लो बनाती है, फिर अभी 500 के आसपास ट्रेड करती। उसी प्रकार से देखिए बंधन बैंक करीब 200 के आसपास का लो बनाती है और 350 के आसपास। तो इस तरीके से देखा जाए बहुत सारी ऐसी बैंकें या NBFCs कंपनी, चाहे बजाज फाइनेंस भी, जो फाइनेंस रिलेटेड यानी कि जो पैसे से पैसे कमाती हैं, जो ब्याज वगैरह का इनका जिनका कारोबार है, उनमें ही ज़्यादा पोटेंशियल है और उनमें ही ज़्यादा ख़तरा भी है। तो ये समझने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर अपना पैसा किसी फाइनेंस सेक्टर्स में यानी बैंकिंग में या फिर NBFCs में अगर हम डाल रहे हैं तो उनमें समझदारी का परिचय देते हुए जो हमारा एक्सपोज़र होना चाहिए, कि जो हमारा एलोकेशन होना चाहिए, कि हम सबसे ज़्यादा ऐसे किसी दिग्गज या लीडर बैंक में डालें ताकि हमें बहुत ज़्यादा गिरावट का सामना भी ना देखना पड़े, भले ही रिटर्न चाहे कम मिले, जैसे HDFC बैंक, और कुछ पैसा ऐसी बैंकों में भी डालें जब गिरावट काफ़ी आ जाए, ताकि अगर मान लीजिए नीचे गिरता है तो और भी ख़रीदारी की जा सके। पिछले वर्ष के क्वार्टर यानी मार्च 19 में जो थी 1834 करोड़ की, इनकी ब्याज से कमाई वो बढ़ के हो गई 2281 करोड़ की Q4 2020 में। इसी प्रकार से देखा जाए टोटल इनकम रही पिछले वर्ष के मुकाबले मामूली सी बढ़ी है, जहाँ पिछले वर्ष थी 2243 की, इस बार हो गई 2782 करोड़ की। और फिर खर्चे भी इनके देखे जाएँ तो उसी के हिसाब से लगे हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखा जाए, फिर इन्होंने जो है इस क्वार्टर में 614 करोड़ का इन्होंने प्रोविजनिंग की है, यानी कि जहाँ जहाँ इन्होंने बैड लोन दिया हुआ है उनको वहाँ से उम्मीद नहीं लग रही है कि अभी फ़िलहाल रिकवरी हो पाएगी, तो इसलिए इन्होंने प्रोविजनिंग की है। और उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 151 करोड़ का, और टैक्स देने के पश्चात जो 114 करोड़ का इनका शुद्ध मुनाफा यहाँ पर दर्शाया है, जबकि पिछले वर्ष के क्वार्टर में था 227 करोड़ का, तो उससे आधा कर दिया है करीब करीब। और जो पिछला क्वार्टर था दिसंबर 2019 में, उसमें 66 करोड़ के आसपास था, तो उसके मुकाबले देखा जाए क्वार्टर दर क्वार्टर हालांकि यहाँ पर डबल के करीब है अगर देखा जाए 114 करोड़। अगर मान लीजिए हम कुछ वर्षों के क्वार्टर्स देख लेते हैं, मान लीजिए जून 18 से लेकर कुछ 7-8 क्वार्टर देख लें, तो रेवेन्यू वाइज देखते हैं तो कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर। जहाँ जून 2018 में थी 1364 करोड़ की, बढ़ के हुई 1400, 1600, नेक्स्ट क्वार्टर में 1800, 2021, 2200, मार्च 20 में 2281 करोड़। वहीं पे अगर शुद्ध मुनाफा देखते हैं तो 2018 के क्वार्टर में 196 करोड़, फिर बढ़ के हुई 213 करोड़, 222 करोड़, नेक्स्ट क्वार्टर में 228 करोड़ और 265 करोड़, फिर यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर में हो गई 53 करोड़ और दिसंबर 19 यानी कि क्वार्टर 3 में हो गए 66 करोड़। तो इसी का
नतीजा या इसी का दुष्प्रभाव आप मानिए कि जो गिरावट आई एक वर्ष के भीतर इन दो क्वार्टर्स में, तो यहीं से 650 के आसपास से फिर सीधे अभी जो टच किया ज़बरदस्त 100 रुपये तक आके अटक गया था। तो कहीं ना कहीं अभी क्वाली भी जिम्मेदार है इस चीज़ को लेके। और अगर हम प्रमोटर्स की स्थिति देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास 0 हैं शेयर्स, और जो अपनी सत्ता दे रखी है, सत्ता की चाबी दे रखी है, जो ख़रीदी और बिकवाली हो रही है, वो आपस में FIIs हैं, जिनमें से टोटल DIIs भी हैं और अदर्स में, मतलब प्रमोटर्स के पास यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है, 0 है। जब इसमें विदेशी निवेशक या विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इसमें भयानक बिकवाली करते हैं तो इसमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और जब ख़रीदारी करते हैं तो काफ़ी अच्छा ये प्रदर्शन करता है स्टॉक प्राइस में। बढ़िया बैंक है RBL बैंक, तो एक उभरती हुई बैंक है ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार से इनका कामकाज है सारे सेगमेंट्स में है मोस्टली देखा जाए तो। तो अभी फ़िलहाल ख़रीदारी के इसमें बिल्कुल भी सलाह नहीं। जिस प्रकार से देखिए स्टॉक प्राइस तो देखा जाए जो फंडामेंटली, तो वो तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो ये ओवरबॉट जोन पे है, जो कभी भी इसमें गिरावट आ सकती है। चाहे तो और भी बैंकें हैं, काफ़ी बैंकों में कॉम्पटिशन है अभी, देखिए बहुत सारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, यस बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, अनेक प्रकार की बैंकें हैं, इतना कंपटीशन है, ICICI बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है, इंडसइंड बैंक है, RBL बैंक हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PSU बैंक हो गई, PSU में बहुत सारी बैंकें हैं, तो बैंकों में बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन है, लेकिन बैंकों में संभावनाएं भी अधिक है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था टॉप 9 NBFC स्टॉक्स, तो इसमें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनके बारे में जिक्र किया था, चाहे वो मुथूत फाइनेंस हो, चाहे वो मन्नापुरम फाइनेंस रही हो, चाहे L&T हाउसिंग फाइनेंस एंड होल्डिंग्स रही हो, या फिर अन्य प्रकार के श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस रही हो, सबके बारे में जिक्र किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा कि इन कंपनियों में अभी कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि गिरावट भी हुई है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव पड़ा है, वो बैंकिंग या NBFCs पे बहुत ज़बरदस्त पड़ा है। तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, अगर आप समझ गए, कुछ कंपनियों को आप जान गए, उनमें थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बना सकते हैं, कहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, कुछ सुझाव जरूर आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा। धन्यवाद।